नमस्कार, मैं विद्याभूषण कुमार और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। आपको पता होगा कि अभी 66 बीपीएससी का रिजल्ट जारी हो चुका है। अभी हमारे साथ एक मैम है जिन्होंने 66 बीपीएससी में 311वां रैंक हासिल किया है। आइए हम मैम से बात करेंगे कि उनका क्या मोटिवेशन रहा जो इतनी बड़ी यह पद पर अपनी मतलब सफलता हासिल की है। तो मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोना कुमारी सोनी हुआ और 66 बीपीएससी में मुझे रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर का रैंक प्राप्त हुआ है। अरे मैम, सबसे पहले आप ये बताइए, जैसे आपने रिजल्ट चेक किया होगा तो आपका पहला रिएक्शन क्या रहा मैम रिजल्ट को लेकर? मेरा रिज़ल्ट जो है मेरी फ्रेंड ने बताया मुझे, मैं यहाँ थी नहीं, गांव में थी, तो जैसे ही मैंने रिज़ल्ट सुना मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, इमोशनल हो गई और मेरे पेरेंट्स भी वहीं थे, वो भी काफ़ी इमोशनल हो गए। लेकिन मैम, आप रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर बन चुके हैं लेकिन आपके चेहरे से ऐसा झलक नहीं रहा है कि आप ऑफिसर बन चुके हैं, अभी भी आप मायूस ही दिख रही हैं, मतलब इसका क्या कारण है? आप 311 रैंक से खुश नहीं हैं या क्या मतलब बात है? सर, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी मेहनत के बाद मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, तो चेहरे पर मायूसी ऐसी कुछ नहीं है लेकिन आगे जाने की और तमन्ना है। आगे कहाँ तक मैम जाना है आपको? मुझे बीपीएससी का टॉप रैंक चाहिए, तो मैं उसके लिए सर मेहनत करना चाहती हूँ लेकिन मैं इस जगह पे भी आके खुश हूँ। अच्छा मैम, क्या ऐसा रहा मैम कि आपका रैंक 311 या टॉप 10 में नहीं आ पाया, मतलब कहाँ कुछ कमी रह गई या कैसे रह गई? इसके पीछे मुख्य कारण ये रहा कि 65th बीपीएससी का इंटरव्यू मेरा 2 अगस्त को था और 28, 29 और 30 जुलाई को मेरा 66 का मेंस था, तो एक दिन का गैप था मेरे पास इंटरव्यू और मेंस के बीच में, तो वो टाइम बैलेंस करना मेरे लिए काफ़ी टफ हो गया था। मैं ज़्यादा फोकस अपना इंटरव्यू पर कर रही थी जिस कारण मैंने मेंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया, मैं बस वो पहले जो पढ़ा था मैंने और इंटरव्यू के लिए जो भी मैं पढ़ रही थी बस उसी को आधार मानकर मैं जाकर बस एग्ज़ाम लिख कर आई थी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कमी रह गई कि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस नहीं किया था, और लेकिन अगली बार मुझे लगता है कि मैं अपने मतलब अगली बार आप टॉप 10 मतलब रैंक में मतलब सफलता हासिल कर लीजिएगा उसमें। सर, मुझे उम्मीद है कि आप अगर मेहनत करते हैं तो ज़रूर आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच जाइएगा, मेरी कोशिश रहेगी। टॉप 10 तो मैं नहीं बोल सकती हूं लेकिन मुझे मुझे SDM का पोस्ट चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगी उसके लिए। अच्छा मैम, आज आप इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है मैम, किस किस का योगदान रहा है मैम, सबसे पहले आप ये बताइए। और मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मोटिवेशन काफ़ी ज़रूरी है मैम, इसमें आपको कई सारे लोग मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट भी करते होंगे और कुछ मोटिवेशन भी करते होंगे मैम, उनके बारे में थोड़ा आप हमें बताइए कि कहाँ कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला है मैम। देखिए, यहाँ तक पहुँचने की अगर मोटिवेशन की बात करें तो मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ और कहीं ना कहीं आप मध्यम वर्गीय होते हैं, हमारे यहाँ प्रशासनिक सेवा में जाना एक सभी माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे भी जाएं, और दूसरी अभी मैं जो है वो नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत भी हूँ, तो जब मुझे 8 साल हो चुके हैं काम करते हुए, मैंने ज़मीनी स्तर पे काफ़ी समस्याएं देखी जिसका समाधान मैं उस लेवल तक रहकर नहीं कर पाती, तो ऐसा कई बार मेरे मन में विचार आया कि मैं इनके लिए समाज को जो है प्रत्यक्ष रूप से कुछ इनके लिए कर पाऊँ, क्योंकि सरकार बहुत सारी योजनाएं बनाती है लेकिन उनको धरातल तक लाने में सबसे बड़ा योगदान एक प्रशासनिक अधिकारी का होता है, तो मुझे लगता है कि उस पद तक जाकर मैं प्रत्यक्ष रूप से समाज की मदद कर पाऊंगी। हालांकि मैं अभी भी समाज सेवा ही कर रही हूं शिक्षक के रूप में, लेकिन मुझे लगता है कि एक शिक्षक के रूप में रहते हुए मैं सिर्फ अपना विद्यालय को सेवा कर सकती थी लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मैं मेरा क्षेत्र विस्तार काफ़ी अधिक हो जाएगा, तो मुझे। अच्छा मैम, आप बता रही कि आप टीचर भी थी और टीचर के साथ साथ आपने बीपीएससी की तैयारी भी की, तो मैम कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपका जो मतलब पिछला जॉब था टीचर का उसमें आपने कुछ मतलब कमी की होगी मतलब वहाँ पर स्टूडेंट को ध्यान देने में? सर, ऐसी बात नहीं है, इनफैक्ट मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा कि जब से मैं तैयारी में आई हूँ मैं अपने बच्चों को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा पा रही हूँ। बच्चों, मुझे बीपीएससी की तैयारी के दौरान जो भी अनुभव मिला वो मैं उसका इस्तेमाल अपने विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए किया करती थी, और दूसरी बात सर कि शिक्षक रहते हुए कमी की बात है तो मेरे विद्यालय में 2 ही शिक्षक है और फुल टाइम टीचिंग जॉब करना पड़ता ही है, और वो
करना हमारी सेवा सेवा करना हमारा धर्म भी एक शिक्षक के रूप में। तो मैंने अपने जॉब के साथ कहीं भी बेईमानी नहीं की है। जो भी समय मुझे मिलता था 9 to 4 के जॉब के बाद जो भी मुझे समय मिलता था मैं उस दौरान सेल्फ स्टडी किया करती थी। अच्छा मैम, बहुत सारे मैंने इंटरव्यू में भी देखा है मैम कि जब आपका जॉब लग जाता है तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ सालों के बाद वो मतलब फिर तक करप्ट हो जाते हैं। तो मतलब ऐसा क्या, मतलब हमें नहीं लगेगा कि आप करप्ट नहीं हुईगा आगे चल के, क्योंकि आप रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर बन गए हैं, क्योंकि आपका काम जो है ज़मीनी स्तर पे है, तो इस पर क्या कहेंगे आप करप्ट ऑफिसर बनेगा या कैसे बनेगा? सर मैंने जैसा अभी बताया कि मैं एक शिक्षिका के रूप में भी कार्यरत रह चुकी हूँ, तो एक शिक्षक स्वभाव से ईमानदार होता है, और अब तक लगभग मेरे इतने वर्षों के कार्य अनुभव से और मेरी मैं जो पृष्ठभूमि से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मेरे मन में सर ये कहीं से नहीं है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। मैं दिल से एक ईमानदार ऑफिसर के रूप में सर कार्य करना चाहूँगी, और ऐसी बात नहीं है सर कि सभी ऑफिसर भ्रष्ट होते हैं, कुछ सच में काम करना चाहते हैं, और निश्चित रूप से मैं इसके लिए तैयार हूँ। चलिए मैम, आपको बहुत बहुत बधाई। तो चलिए मैम, अब हम बात करते हैं कि आपने प्रिपरेशन कैसे किया और किस तरह से आपने पढ़ाई की जो आप यहाँ तक पहुँची। मैम ये आपका कौन सा अटैम्प्ट है? मैम ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट है। आपका मीडियम कौन सा था? हिंदी माध्यम से मैंने परीक्षा दिया था। तो मैम आपने किस तरह से पढ़ाई की कि जो आपने मतलब ये दूसरी प्रयास है आपकी, और दूसरी प्रयास में ही सफलता हासिल करना बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो वो थोड़ा हमें शेयर कीजिए कि किस तरह से आपने पढ़ाई किया, क्या रूटीन रहा, कि जो भी स्टूडेंट आपके ये वीडियो देखेंगे उनके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग होगा। जब शुरुआत में 65th PT मैंने दिया था, वो मैं सेल्फ स्टडी से ही मैंने वो दिया था, और प्रैक्टिस सेट ज्वाइन किया था मैंने। मैं हर सप्ताह एक प्रैक्टिस टेस्ट दिया करती थी, और जब मेरा PT का रिज़ल्ट निकल गया, जैसा कि मुझे उम्मीद नहीं था लेकिन वो निकल गया, तो फिर मैंने पटना के एक कोचिंग संस्थान से मैंने संपर्क किया था ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो कुछ गाइडलाइंस मुझे वहाँ से मिले, और फिर मैंने प्रैक्टिस किया बहुत सारे, और सेल्फ स्टडी मेरा सबसे बड़ा मेरा यहाँ सेल्फ स्टडी रहा है। कुछ मेरे फ्रेंड्स भी रहे हैं और उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए, उनके सहयोग से भी, और मेरे माता पिता और मेरा खुद का भी डेडिकेशन था, तो मैं सर यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैम आपने तो बोला कि लगातार प्रयास किया है, लगातार जो भी मतलब अपने पढ़ाई की, तो मैम क्या सोर्स रहा? मैम वो देखिए सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट को सोर्स नहीं मिल पाता ठीक ढंग से, जिसमें उनको काफ़ी लेट हो जाती है मतलब BPSC क्वालिफाई करने में, तो वो सोर्स बताइए मैम हमें आप। हाँ, सबसे पहले तो NCERT की बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देता है, और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया से भी हम बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं, जो कि वर्किंग में हैं तो उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो प्रॉपरली सब कुछ पढ़ पाएँ। तो एक सब्जेक्ट जब आप विश्लेषण कीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर्स का, तो आपको एक आइडिया होगा कि आप तैयारी के लिए किन किन टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिन टॉपिक्स से ज़्यादा रिपीटेटिव मोड में क्वेश्चंस आते हैं, उन टॉपिक्स को आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने के बाद, आप नेट पे भी बहुत सारे साइट्स अवेलेबल हैं जिनका आप यूज़ अपने नोट्स बनाने में कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्रिया अगर प्रतिदिन और लगातार रही डेडिकेशन के साथ में, तो सफलता पाना बहुत बड़ी बात नहीं है सर, लेकिन मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, और बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स को मैं फॉलो करना, जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको मैं बोलूँगी कि पहले बुक्स वो प्रिफर करें। आप सभी देख सकते हैं ये मैम का रूम है, और मैम यहीं पे पढ़ाई करती थी। आइए हम थोड़ा रूम को एक बार दिखाएंगे, थोड़ा एक बार आइए देखिए। आप अभी मैम की फ्रेंड भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोना कुमारी हुआ। मैम कितनी खुश हैं कि आपकी दोस्त अभी डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगी मैम? सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई, और मेरे साथ मतलब ये बहुत बड़ी उपलब्धि इनके लिए मेरे साथ भी है कि मेरी दोस्त बनी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। मैम ये इन्होंने ही आपको इन्फॉर्म किया था क्या कि रात को कि हाँ आपका? इन्फॉर्म किया था कि आपका रिजल्ट आ गया है, सबसे पहले यही एक्साइटेड होके मुझे फ़ोन की। हम लोग मतलब रिजल्ट आने से पहले ही मतलब PDF का वेट कर रहे थे कि मतलब अब आएगा, उसके साइट पे मतलब गए और वेट कर रहे थे अब आएगा PDF, अब आएगा PDF, तो फाइनली हम लोग कॉल पे लगे हुए थे पहले से ही। जैसे PDF आया, मैंने नाम इनका नाम सर्च किया तो मोना कुमारी सोनी आया, फ्लैश हुआ, फिर रोल नंबर हम लोग मिलाए, तो इस तरह से बताया कि आप बन गए। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैम अभी यहाँ पर बैठी हुई हैं और ये काफ़ी खुश लग रही हैं, क्या मैम?
बिल्कुल सर, मैं बहुत खुश हूँ। मैम, और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप स्टूडेंट को, जो भी न्यू स्टूडेंट हो जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मैम उनके लिए आपका क्या मोटिवेशन है? सर, अभी के जो सिनेरियो है उसमें कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी सर कि पेशेंस रख के तैयारी करें, और आप अपने मेहनत को ज़्यादा प्रिफर करें कि हम मेहनत करेंगे, रिज़ल्ट आप जिस दिन लायक हो जाएंगे उस दिन आपका रिज़ल्ट हो जाएगा, और पेशेंस रखें बस, और कड़ी मेहनत तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एकदम, मेहनत मतलब जारी रखना है तभी आपको बीपीएससी में सफलता हासिल होगी, मैडम का ये कहना है।